अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल उस्मान शफीक यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि पिक्सआर्ट की मदद से किस तरह अर्निंग की जा सकती है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन लाजमी आ रहा होगा, मगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वाकई पिक्सआर्ट की मदद से बहुत ही आसानी के साथ अर्निंग स्टार्ट की जा सकती है। मगर पिक्सआर्ट से अर्निंग स्टार्ट किस तरह करनी है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना, ना स्किप करना है। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पिक्सआर्ट यूज़ करते हो, आपको पिक्सआर्ट चलाना आती है अच्छे से। अगर अच्छे से चलाना नहीं भी आती है, अगर आप सिंपल दो काम कर सकते हो, वो दो काम कौन से हैं? फर्स्ट काम ये है कि आपको किसी भी पिक्चर को क्रॉप करना आता हो और उसको रीसाइज करना आता हो। क्रॉपिंग और रीसाइजिंग का काम बहुत ही आसान है। ये काम क्या है, किसी भी पिक्चर को उसको रीसाइज कर देना। मतलब ये कि जो पिक्चर ऑलरेडी जो उसका साइज होगा, उसको आपने साइज तब्दील कर देना है। और क्रॉप से मुराद ये है कि अगर एक पिक्चर बड़ी है तो आपने उसको क्रॉप करके छोटा कर देना है और उसको एक नई शेप दे देनी है। इसको कहते हैं क्रॉपिंग। उसके अलावा एक और काम है बैकग्राउंड चेंजिंग। अगर आप एक पिक्चर लेते हो तो आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना आता है, जो उसका बैकग्राउंड होगा आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हो। तो ये भी एक अलग से काम है। आपको अगर ये दोनों काम आते हैं तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वर्क है। लोग इस काम को सरंजाम देकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आपने ये काम किस तरह स्टार्ट करना है, तो हम आपको ये मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर बताएंगे कि आपने किस तरह ये काम स्टार्ट करना है। वीडियो को मिस नहीं करना, हमारे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस वक्त आ चुका हूँ। ये आप देख सकती हैं कि यहाँ पर Fiverr.com पर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं यहाँ पर आप देखेंगे, और कितना काम पड़ा हुआ है ये आप फर्स्ट पर देख लें। 136 ऑर्डर्स इस बंदे को मिले हुए हैं और इसने अभी क्लियर नहीं किए। और इसके अलावा आप सेकंड पर देखें, इस बंदे को 1000 ऑर्डर्स मिला हुआ है रीसाइजिंग और क्रॉपिंग का। कितना आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। एक सेकंड लगता है पिक्चर रीसाइज करना, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और आपको $5 मिलने वाले हैं, $5 इधर पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ पर आप देखें कि 876 बनते हैं। और इतना छोटा सा काम करके आप 876 रुपीज़ एक ऑर्डर पर ले सकते हैं। और ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आप कितने ऑर्डर दिन में क्लियर करते हैं, 10 ऑर्डर करते हैं, 20 करते हैं। तो एक ऑर्डर क्लियर करने पर आपको 876 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो जब आप ज़्यादा करेंगे तो आपको और ज़्यादा मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी गिग क्रिएट करनी है। जब आप अपनी गिग क्रिएट कर लेंगे तो आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने 3-4 गिग्स क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद आपको जब ऑर्डर मिलेंगे तो आपने अपना काम शुरू कर देना है। उसके अलावा आपको फोटो बैकग्राउंड चेंजिंग का भी काम मिलता है। ये आप देखें कि ये एक बंदा है, यहाँ पर आप देखेंगे 65 ऑर्डर अभी इसको मिले हुए हैं और अभी इसने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो बेशुमार ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, आपने टेंशन नहीं लेनी। जस्ट आपने गिग्स क्रिएट करनी है, अच्छी सी गिग क्रिएट करें, उसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड लगाएं, यकीनन इंशाल्लाह आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। तो बहुत ही आसान काम है, आप इसको स्टार्ट करें। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करूँगा कि आप ये काम शुरू कर देंगे। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।